अब बिग बॉस सीजन 17 के विनर मुनव्वर फारूकी से पंगा लेना नाजिला को पड़ा महंगा। मुनव्वर फारूकी की जीत के बाद नाजिला को किया फैंस ने ट्रोल। अब नाजिला ने लगाए मुनव्वर की जनता पर ये बड़े आरोप। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 17 को जीतने के बाद मुनव्वर फारूकी का डंका हर तरफ बज रहा है। मुनव्वर फारूकी को लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं एक तरफ ट्रॉफी पर, दूसरी तरफ अभिषेक को भी उतना ही प्यार मिल रहा है जितना कि मुनव्वर को। लेकिन मुनव्वर के साथ कंट्रोवर्सी भी उतनी ही रही है इस पूरे सीज़न में, चाहे वो आयशा खान का हो, नाजिला का हो या फिर अंजलि अरोरा का। सभी ने अपने अपने तरफ से मुनव्वर पर आरोप लगाए और मुनव्वर ने इस पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से इंस्टाग्राम पर लाइव आकर नाजिला ने एक्सपोज करना शुरू किया था मुनव्वर को, उसके बाद यहाँ पर आप कुछ कमेंट देख सकते हैं। ये कमेंट तब के हैं जब मुनव्वर ट्रॉफी जीत चुके हैं, और मुनव्वर की ट्रॉफी जीतने के बाद नाजिला को किस तरीके से मुनव्वर के फैंस से ट्रोल कर रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह है कि नाजिला ने मुनव्वर से ब्रेकअप किया था जब वो बिग बॉस सीजन 17 में गए थे और आयशा खान की एंट्री हुई थी। उसके बाद जो मुनव्वर का डाउनफॉल शुरू हुआ था, उस समय बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन फाइनली बिग बॉस जीतने के बाद मुनव्वर की वो सारी बातों को अब जनता भूल चुकी है और जनता ने आयशा खान और नाजिला को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। नाजिला ने कहा है कि हर तरफ मुझे ट्रोल किया जा रहा है मुनव्वर की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मुझे बदनाम किया जा रहा है। मुनव्वर फारूकी से मैं अब रिश्ता तोड़ चुकी हूँ, बावजूद उसके मुनव्वर के फैंस मुझे ट्रोल कर रहे हैं मुनव्वर की जीत के बाद से। मुनव्वर को नाजिला ने, आयशा खान ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था फिनाले के लिए। उन्होंने ये कहा था कि मुनव्वर की हार होनी चाहिए और मुनव्वर को हराने वाले भले कितने भी हो, लेकिन मुनव्वर फाइनली इस सीज़न को जीत कर उन सबको मुँह तोड़ जवाब दे चुका है। फ़िलहाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में नाजिला की ये जो ट्रोलिंग हो रही है उस पर आपका क्या है रिएक्शन। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।